आदेश जय श्री महाकाल। मैं भैरवी शिवकेशी आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या अक्सर आप भयभीत होकर नींद से जाग जाते हैं? क्या कभी आपको कोई ऐसा डरावना सपना आया है जिसके बाद आप दोबारा ठीक से सो नहीं पाए? क्या आपको किसी स्वप्न भय के चलते ठीक से नींद नहीं आती? या क्या आप सोने से इसलिए डरते हैं ताकि कोई डरावना सपना आपको जगा ना दे? तो सचेत हो जाइए, क्योंकि स्वप्न आयाम में कोई ऐसा है जिसने आपके भय को ढूंढ लिया है और वह आपको अपना शिकार बनाना चाहता है। सिर्फ एक नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं, जो कई बार अकेले और कई बार दूसरों के साथ मिलकर आपको स्वप्न के माध्यम से परेशान करते हैं, क्योंकि आप उनकी ऊर्जा का स्रोत हैं। ऐसी ऊर्जा जिसके विषय में आपको स्वयं को नहीं पता है, क्योंकि सत्य को सब स्वीकार नहीं कर पाते, उससे भागना चाहते हैं। और जब तक आप सत्य से भागते रहेंगे तो सच्चाई कैसे जान पाएंगे? वो सच्चाई जो आपको उसके भय से मुक्त कराती है। ब्रह्मांड में उपलब्ध हर चीज के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक जो आपको खुशियाँ, सांत्वना, उत्साह और उन्नति देता है। इसके विपरीत हर चीज का एक दूसरा पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष अथवा उस चीज का भयावह पक्ष जो आपको दुखी और हतोत्साहित करता है, भ्रम दिखाता है, गलत करने की प्रेरणा देता है और भय के मार्ग से गुजारते हुए आपको आत्महत्या अथवा मृत्यु के पायदान तक भी ले जाता है। सपनों का भी एक ऐसा ही पक्ष है, भयावह पक्ष, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि भय अपने आप को सिर्फ उसके समक्ष जाहिर करता है जिसे वो भयभीत करना चाहता है, जिससे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात, भय उसे भयभीत करता है जो सदैव उससे कमज़ोर होता है। भय के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिसे एक आम आदमी आजीवन कभी भी परिचित नहीं होता है, इसलिए अनजाने तौर पर उसके दायरे में प्रविष्ट होता चला जाता है। भय कैसे भी हो आप तक पहुंचने का मार्ग खोज ही लेता है और इतने अंदर तक प्रविष्ट हो जाता है कि आप उसके दायरे की जकड़ से आपको केवल परमात्मा की कृपा ही बाहर निकाल सकती है। और सपने एक ऐसा आयाम है जहां आप जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने तौर पर प्रवेश कर जाते हैं, तब जबकि आप गहरी नींद में होते हैं। दूसरों की दुनिया में अर्थात दूसरे आयाम में जब आप उनकी मर्जी के बिना प्रविष्ट होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन लाभ के साथ नुकसान भी झेलना होगा और ये नुकसान कभी कभी व्यक्ति को बहुत भारी पड़ जाता है। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आपको साधना से रोकने का प्रयत्न, आपकी ऊर्जा का छिन जाना जैसी चीज़ें, और यदि आप भौतिक हैं तो आपके हृदय का कमज़ोर हो जाना, आपके भय के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करना, यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति के कोमा में चले जाने का कारण भी स्वप्न ही होता है। इसलिए स्वप्न की दुनिया से सदैव सचेत रहें, उनके भयावह पक्ष को ना तो कभी जगाने का प्रयत्न करें और ना ही उन्हें प्रबल बनाने में सहयोग करें, अन्यथा आप सपनों की दुनिया को स्वयं पर हावी होने का मौका देंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनचाही समस्याएं उत्पन्न कर लेंगे। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आदेश जय श्री महाकाल।